Hello students, I am Mamta Singh. Welcome you to our e-lecture series. Today our topic is Database Management System, Part 2. Part 1 में हमने देखा था DBA and their roles. So, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज के लेक्चर में हम बाकी बच्चे को जितने भी टॉपिक थे ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको कवर किया है. तो स्टार्ट करते हैं. ये टॉपिक एमएससी कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर के लिए बनाया गया है, पर ये टॉपिक बीकॉम सेकंड ईयर, बीसीए सेकंड ईयर, पीजीडीसीए सभी के लिए कॉमन है. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेटा डिक्शनरी एंड देयर कंपोनेंट्स और एडवांटेजेस, डीबीएमएस आर्किटेक्चर, डीबीएमएस यूजर्स, डेटाबेस लैंग्वेजेस. तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटा डिक्शनरी. डेटा डिक्शनरी क्या होती है? डेटा डिक्शनरी इज द हार्ट ऑफ एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ मेटा डेटा. व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा. आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, बीसीए आप पढ़े होंगे या बीएससी पढ़े होंगे, जैसे आप एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल पे जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाए होंगे उसमें आप डेटाबेस बना के रखते हैं, टेबल बना के रखते हैं. तो उन टेबल का जो कलेक्शन होता है उसको हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं. उस डेटा डिक्शनरी में किसी डेटा के बारे में बताया जाता है, दैट इज मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा. डेटा के बारे में जो डेटा होता है वो मेटा डेटा होता है. डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल और सेट ऑफ फाइल दैट कंटेन्स रिकॉर्ड्स अबाउट अदर ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस. डेटा डिक्शनरी एक फाइल हो सकती है, सेट ऑफ फाइल्स हो सकती है, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में जो डेटाबेस में है हमें बताती है. डेटा डिक्शनरी कंटेन्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज व्हाट फाइल्स आर इन द डेटाबेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा कंटेन्ड इन द फाइल. उस डेटाबेस में कौन सा डेटा है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारा चीज डेटा डिक्शनरी में कवर होता है. डेटा डिक्शनरी में और क्या क्या चीजें रहती हैं वो हम देखते हैं. डेटा डिक्शनरी कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस सच एज द नेम्स ऑफ फील्ड कंटेन्ड इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस. किसी डेटाबेस में जितने भी फील्ड्स हैं उन सबको, जैसे मान लीजिए आपके एक एम्प्लॉई नाम का एक डेटाबेस है जिसमें फील्ड होंगे एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आईडी एक्सेट्रा, तो ये सब उसके डेटा फील्ड्स हुए. इसकी जानकारी हमें देता है नंबर ऑफ टेबल्स एंड डेटाबेस प्रेजेंट. उसमें कितने नंबर ऑफ टेबल प्रेजेंट है जिस हमें डेटा डिक्शनरी से पता चलता है. द डेटा टाइप, उन फील्ड्स का टाइप क्या है, वो इंटीजर है, रियल है, कैरेक्टर है, अल्फान्यूमेरिक है, ये सारी चीजें डेटा डिक्शनरी से हम टेबल के माध्यम से देख सकते हैं. उसकी साइज पता कर सकते हैं, लॉन्ग है, इंटीजर है, डबल है. तो डेटा डिक्शनरी एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसमें डेटाबेस की सारी जानकारी हमें एट ए ग्लेंस प्राप्त हो जाती है. हमने अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक डेटा डिक्शनरी शो किया है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जिसमें आप देख रहे हैं फील्ड, फील्ड नेम, डेटा टाइप, फील्ड लेंथ, कंस्ट्रेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन. फील्ड नेम में क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मैक्सिमम यूजर्स, करंट यूजर्स, ये हमारा फील्ड नेम है. अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फील्ड नेम क्या होता है, किसी टेबल का जो हेडिंग होता है वो फील्ड नेम होता है. फिर आप देख रहे हैं इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप, कि क्लाइंट आईडी जो होगा वो इंटीजर होगा, क्लाइंट नेम नेचुरल है वर्क ईयर होगा जिसमें हम कैरेक्टर लेते हैं, पासवर्ड भी वर्क ईयर होगा, वर्क ईयर में हम अल्फान्यूमेरिक ले सकते हैं इसलिए वर्क ईयर का यूज किया जाता है. सिमिलरली और भी फील्ड के क्या डेटा टाइप है इस डिक्शनरी में आपको दिख रहा है, उसकी फील्ड की लेंथ क्या है ये दिखाई दे रही है. कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट मतलब होता है कौन से फील्ड को प्राइमरी की बनाया गया है, फॉरेन की बनाया गया है, वो भी आपको टेबल में दिखाई देगा. जैसा आप देख रहे हैं क्लाइंट आईडी को प्राइमरी की बनाया गया है तो टेबल में वो दिख रहा है क्लाइंट आईडी प्राइमरी की. एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब कौन से फील्ड किस चीज के लिए यूज हो रही है उसको वन लाइन में डिस्क्राइब किया गया है. लाइक क्लाइंट आईडी ऑटो जनरेटेड, क्लाइंट नेम, नेम ऑफ द क्लाइंट, पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड एटसेट्रा. टाइप्स ऑफ डेटा डिक्शनरी,
डेटा डिक्शनरी आर टू टाइप, वन इज एक्टिव डेटा डिक्शनरी, अनदर इज पैसिव डेटा डिक्शनरी। एक्टिव डेटा डिक्शनरी वो डेटा डिक्शनरी होती है जब किसी डेटाबेस में कोई चेंजेस करने की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है तो डीडीएल के माध्यम से, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के माध्यम से, हम उसके डेटाबेस में कुछ अपडेट्स करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। अगर हम उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं तो डेटा डिक्शनरी, क्योंकि उसी डेटाबेस में मेंटेन होती है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो एक्टिव डेटा डिक्शनरी में किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होता यदि उस डेटाबेस में कोई चेंज हो। पैसिव डेटा डिक्शनरी, पैसिव डेटा डिक्शनरी जो होती है वो अलग से मेंटेन की जाती है, उसके लिए कोई XML फाइल हो सकती है या एक अदर फाइल फॉर्मेट होता है। ऐसा होने की वजह से जब भी हम किसी फाइल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेटा डिक्शनरी का चेंज नहीं हो पाता, तो मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी पैसिव डेटा डिक्शनरी में रहती है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी हमें कैसे यूज होती है और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसको देखेंगे हम। टू मैनेज द डिटेल्स इन लार्ज सिस्टम, किसी भी सिस्टम के डेटा को मैनेज करने में। यूज टू कम्युनिकेट अ कॉमन मीनिंग ऑफ एलिमेंट्स, टू डॉक्यूमेंट द फीचर ऑफ द सिस्टम। Databases uses information of data dictionary for tuning the performance of system. System की performance को tuning के लिए data dictionary एक important role play करता है। Data dictionary के बाद हमारा अगला topic है DBMS architecture. किसी भी चीज का architecture उसकी design को define करता है। So DBMS design depends upon its architecture. The basic client-server architecture is used to deal with a large number of PCs, web servers, database server and other components that are connected with network. The architecture of DBMS depends on the computer system on which it runs. किसी भी डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर होता है वो उसके सिस्टम पर डिपेंड करता है, जिस सिस्टम पर वो रन होता है। तो हम देख सकते हैं कि डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर होता है वो उस डेटाबेस की डिजाइन को डिफाइन करता है। डीबीएमएस का सबसे पॉपुलर आर्किटेक्चर जो है वो थ्री लेवल आर्किटेक्चर होता है, जिसे हम थ्री टायर आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इससे पहले वन टायर, टू टायर आर्किटेक्चर भी है, बट पॉपुलर यूज ऑन इसी स्ट्रक्चर का किया जाता है, जिसे थ्री लेवल आर्किटेक्चर या आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर या थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर कहा जाता है, जिसमें तीन व्यूज होते हैं, तीन लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। फर्स्ट इज एक्सटर्नल लेवल, इट इज हाईएस्ट और टॉप लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सबसे टॉप लेवल का जो लेयर होती है उसे एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग ऑफ डेटा। यह ऐसे लेवल होता है जिसको कौन अटेंड करता है? यूजर्स, एंड यूजर्स। जितने भी एंड यूजर्स होते हैं वो एक्सटर्नल लेवल से इंटरेक्ट करते हैं, उनको अदर लेवल से कोई मतलब नहीं होता। तो ये कैसा होना चाहिए जिसमें यूजर्स को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का टोटल डीबीएमएस कहाँ पे स्टोर है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, इससे कोई मतलब नहीं होता। वो अपनी क्वेरी करता है, उसको रिजल्ट चाहिए होता है। तो एक्सटर्नल लेवल पे यूजर व्यू आते हैं, कंसर्न विद द यूजर व्यू, और एन नंबर ऑफ यूजर इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। कंसेप्चुअल व्यू या लॉजिकल व्यू, इट इज मिडिल लेवल ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंसर्न विद द एंटिटीज, डेटा टाइप, रिलेशनशिप, यूजर ऑपरेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स। यह मिडिल लेवल होती है जो डेटाबेस की एंटिटीज, डेटा टाइप और रिलेशनशिप। डेटा टाइप अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे इंटीजर, करेक्टर, ये सब होते हैं एंटिटीज। रिलेशनशिप होती है जो वन टू वन, वन टू मेनी, किसी भी एंटिटी या टेबल के बीच में जो रिलेशन है। और यूजर ऑपरेशंस, कंस्ट्रेंट्स की प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, किस फील्ड को बनाई गई है, मतलब बेसिक जो सारा नॉलेज होता है वो कंसेप्चुअल लेवल ही होता है, ये मिडिल लेवल होता है। देन इंटरनल या फिजिकल व्यू, दिस इज लो लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, सबसे लास्ट लेवल होता है ये आर्किटेक्चर का, जिसमें नॉलेज अबाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कंपलसरी।
इस लेवल से जो इंटरेक्ट करता है उसे डीबीएमएस का या डेटाबेस का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का नॉलेज होना जरूरी होता है. इट कीप्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा. डेटा कहाँ पर स्टोर है, कैसे स्टोर है, कितनी मेमोरी ले रहा है, किस फॉर्मेट में है, ये सारी चीजें इंटरनल व्यू में स्टोर होती हैं. स्क्रीन में हम देख सकते हैं डेटाबेस का आर्किटेक्चर. अ थ्री टायर आर्किटेक्चर सेपरेट इट्स टायर्स फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूजर्स एंड हाउ दे यूज द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस. डेटाबेस में प्रेजेंट डेटा को कैसे यूज करते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, तो ये आप फिगर में देख सकते हैं. सबसे नीचे का जो लेवल होता है वो फिजिकल डेटा ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं डेटाबेस. देन इंटरनल लेवल. इंटरनल लेवल हमारा फर्स्ट लेवल है जो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से. फिर मिडिल लेवल है कंसेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल व्यू, ये इंटरेक्ट करेगा इंटरनल स्कीमा से. और सबसे टॉप लेवल जो होता है वो आपका एक्सटर्नल लेवल होता है जिसे हम यूजर व्यू कहते हैं. एंड यूजर इससे इंटरेक्ट करते हैं. तो इस प्रकार से ये थ्री लेवल आर्किटेक्चर डीबीएमएस का होता है. हर एक लेवल का अपना अपना रोल होता है. डेटा इंडिपेंडेंस. जब भी हम डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करें तो डेटा इंडिपेंडेंस भी साथ में आता है. आपने बुक्स में भी देखा होगा. तो डेटा इंडिपेंडेंस ऐसे कोई अलग सा टॉपिक नहीं है. आप इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस इज कैपेसिटी टू चेंज स्कीमा एट वन लेवल विदाउट हैविंग चेंज इन नेक्स्ट हायर लेवल. तो डेटा इंडिपेंडेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम किसी स्कीमा के किसी एक लेवल में जो चेंज करे वो उसके नेक्स्ट हायर लेवल में चेंज का कोई भी इफेक्ट ना हो, उसको प्रभावित ना करे. तो ये इंडिपेंडेंस दो प्रकार का होता है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. जैसा कि नाम है इससे आप समझ सकते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस द एबिलिटी टू चेंज द लॉजिकल और कंसेप्चुअल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा. किसी भी डेटाबेस के लॉजिकल स्कीमा या कंसेप्चुअल स्कीमा, स्कीमा मीन्स डेटाबेस होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, को चेंज करना विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल स्कीमा. उसके एक्सटर्नल स्कीमा को बिना चेंज किए हुए कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज करना लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है. इसी तरह फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस द कैपेसिटी टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमा विदाउट हैविंग चेंजेस इन कंसेप्चुअल स्कीमा. जस्ट इसका रिवर्स कि एक्सटर्नल स्कीमा में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो उसके कंसेप्चुअल स्कीमा में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. ये क्यों जरूरी होता है? इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम. किसी भी सिस्टम के डेटाबेस में कुछ जरूरत पड़ती है, कुछ रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है. एग्जाम्पल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, यह एक एग्जाम्पल है. किसी यूनिवर्सिटी डेटाबेस में हम देख सकते हैं तीन लेवल आपको दिखाई दे रहा है. एक्सटर्नल स्कीमा व्यू वन, व्यू टू, कंसेप्चुअल स्कीमा एंड फिजिकल स्कीमा. इसको हमने कोर्स के माध्यम से और सिंटेक्स के माध्यम से बताया है, जो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए. फिजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा में आप देखेंगे रिलेशंस स्टोर्ड एज अनऑर्डर्ड फाइल्स इंडेक्स ऑन फर्स्ट कॉलम ऑफ स्टूडेंट्स. क्योंकि ये डेटाबेस यूनिवर्सिटी का है तो उसमें जो डेटा होंगे वो स्टूडेंट से रिलेटेड, फैकल्टी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड होंगे. तो इसमें हमने शो किया है कि एक फिजिकल स्कीमा में कुछ डेटाबेसेस है जो एक ऑर्डर में या अनऑर्डर में स्टोर है. कंसेप्चुअल स्कीमा, जैसे मैंने आपको बताया था कंसेप्चुअल स्कीमा जो होता है एंटिटी रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट इन सबको डील करता है. तो उसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कोर्सेस, एनरोल्ड, ये तीन टेबल है. ये तीन टेबल के अलग अलग फील्ड्स है. ये सब सारी चीजें कंसेप्चुअल स्कीमा में आएंगी. एक्सटर्नल व्यू में हम देख रहे हैं व्यू वन, व्यू टू, कोर्स इन्फो एंड स्टूडेंट इन्फो. कोर्स इन्फो में कोर्स के बारे में जानकारी, जैसे कोर्स आईडी क्या होगा, उसका टाइप क्या होगा. स्टूडेंट इन्फो में स्टूडेंट आईडी.
तो ये सारी चीजें आप को एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का कोई डेटाबेस है, उसमें यूजर बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स हो सकता है, फैकल्टी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के हेड्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो हर यूजर अपने मतलब का डेटा उसमें से रिट्रीव करता है, तो उससे बाकी डेटा से कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए व्यू वन व्यू टू अप टू व्यू एन तक। तो जैसे स्टूडेंट है वो लॉग इन करेगा तो अपने से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको रिट्रीव करेगा। सिमिलरली अगर फैकल्टी कोई लॉग इन करता है तो फैकल्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो रिट्रीव करता है। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक डीबीएमएस यूजर स्टार्ट करते हैं कि डीबीएमएस को कितने टाइप के यूजर्स यूज करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो ये तीन प्रकार के यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटाबेस एडमिन। एंड यूजर्स बेसिकली डील्स ओनली विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मे नॉट बी कंसर्न्ड विद द डिटेल ऑफ द डीबीएमएस। एंड यूजर हमें पता है कि सबसे टॉप लेवल पे होता है, इसको डेटाबेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, ना ही वो जानकारी लेना चाहता है, वो सिर्फ अपने क्वेरीज सॉल्व करता है। तो वैसे यूजर्स जो होते हैं वो एंड यूजर्स कहलाते हैं। इन एंड यूजर्स के भी सब टाइप है, लाइक कैजुअल एंड यूजर। कैजुअल एंड यूजर ऐसे होते हैं जो ओकेजनली डेटा को विड्रॉ करते हैं, दे नीड डिफरेंट इंफॉर्मेशन ईच टाइम। हो सकता है अलग अलग टाइम में वो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करें, हो सकता है कभी स्टूडेंट के बारे में, कभी किसी कंपनी के बारे में, कभी एम्प्लॉई के बारे में, उनके डेटा अलग अलग हो सकते हैं। दे यूज सोफिस्टिकेटेड क्वेरी लैंग्वेज टू स्पेसिफाई देयर रिक्वेस्ट, अपने रिक्वेस्ट को भेजने के लिए वो किसी क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेम और पैरामेट्रिक यूजर्स। नेम यूजर्स आर अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स विच हैज नो नॉलेज ऑफ द डेटाबेस। इन्हें डेटाबेस का कोई नॉलेज नहीं होता है, अनसोफिस्टिकेटेड यूजर होते हैं, बट ये यूजर जो होते हैं वो इस डेटाबेस का ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हालांकि ये दीज यूजर्स आर लाइक अ लेमैन विच हैज अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ द डेटाबेस, जिनको डेटाबेस का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, परंतु ये इससे बहुत इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक के एम्प्लॉय, कोई क्लर्क, रेलवे टिकट, ई टिकट जब हम काटते हैं या काउंटर पे जो यूज होते हैं सिस्टम, तो उसके उसमें जो यूजर बैठ रहा है वो एक सिस्टम को ऑपरेट करता है, एक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। उसमें कोई जरूरी नहीं होता कि जो बैंक के सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है उसको पूरा डिटेल उसे पता हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में वो जानता हो, उसे सिर्फ बेसिक नॉलेज पता होता है कि इस बटन से ये ऐसा प्रेस होता है, इसके बाद ये आएगा, ऐसी एंट्री होगी और ऐसा ये लास्ट में सबमिट किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो यूजर्स होते हैं जिनको लिटिल बिट ऑफ नॉलेज होता है कंप्यूटर का, परंतु वो डेटाबेस का ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज नेम और पैरामेट्रिक यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कैन बी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट हु आर फेमिलियर विद द डेटाबेस। ऐसे यूजर्स जो एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, जो डेटाबेस से फेमिलियर हो, जानते हो डेटाबेस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। दे इंटरैक्ट विद द सिस्टम विदाउट राइटिंग प्रोग्राम्स, इंस्टेड दे फॉर्म देयर रिक्वेस्ट इन अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। ये अपने जो रिक्वेस्ट होती है बिना किसी प्रोग्राम को लिखे बिना कर सकते हैं, परंतु ये डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके अपने रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। दे सबमिट ईच क्वेरी टू अ क्वेरी प्रोसेसर। प्रत्येक क्वेरी क्वेरी प्रोसेसर के पास जाती है, क्वेरी प्रोसेसर उससे रिलेटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और यूजर्स तक पहुंचाता है। स्पेशलाइज्ड यूजर। ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हु राइट स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशन दैट डू नॉट फिट इनटू द ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। कुछ स्पेशलाइज्ड यूजर्स ऐसे यूजर्स होते हैं जो एप्लीकेशंस लिखते हैं, जैसे कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मल्टीमीडिया डेटाबेस प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स से हम थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं कि इनमें प्रोग्राम का अच्छा नॉलेज होता है और ये कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी दो सब कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट।
एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होता है जो राइटिंग डेटाबेस प्रोग्राम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके डेटाबेस प्रोग्राम वो बनाता है, जो कोबोल हो सकती है, C++ हो सकती है और एनी अदर लैंग्वेज. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एक्सेस डेटाबेस बाय इशूइंग द एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट टू द DBMS. कुछ एप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट सिंटेक्स को भेजकर डेटाबेस से रिक्वेस्ट किया जाता है और क्वेरी सॉल्व की जाती है. सिस्टम एनालिस्ट, आर्किटेक्ट एज वेल एज द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम का आर्किटेक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट लीडर हो सकता है. डेवलप सॉल्यूशन टू यूजर प्रॉब्लम, यूजर की जो भी प्रॉब्लम आती है, क्वेरी आती है, उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन डेवलप करता है, दैट इज सिस्टम एनालिस्ट. ही और शी डिटरमाइन द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ऑफ देयर सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के लिए टेक्निकल और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी क्या है उसको डिफाइन करना, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करना, उसका एस्टिमेट लगाना और इम्प्लीमेंट करना सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है. फाइनली थर्ड कैटेगरी जो होती है यूजर की, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो डेटाबेस को अथॉरिटी देते हैं, परमिशंस देते हैं और इनको डेटाबेस का या ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल पता होना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए. वो व्यक्ति ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है. इसका डिटेल हमने अपने वीडियो के पार्ट वन में कवर किया है, जिसमें डेटाबेस क्या, DBA क्या होता है और उसके रोल्स क्या है इसे बताया गया है. तो आप उसे रेफरेंस ले सकते हैं पार्ट वन वीडियो से. आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है डेटाबेस लैंग्वेजेस. डेटाबेस को कौन कौन से लैंग्वेजेस का यूज करके उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL, एज वी ऑल नो इज अ डेटाबेस लैंग्वेज बाय द यूज ऑफ विच वी कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड ऑल्सो वी कैन यूज दिस लैंग्वेज टू क्रिएट अ डेटाबेस. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और इसका यूज डिफरेंट टाइप की क्वेरीज को सॉल्व करने में किया जाता है. ये बहुत सारी कैटेगरीज में कैटेगराइज होती है, लाइक DDL, DML, DCL, TCL. DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक एक करके हम देखेंगे. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बहुत सारे कमांड्स आते हैं, जिसमें से कुछ कमांड्स हमने लिया है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट एंड रिनेम. क्रिएट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस. डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है. अल्टर, अल्टर द पैटर्न ऑफ द डेटाबेस. किसी भी डेटाबेस के डिजाइन को अगर अल्टर करना होता है तो अल्टर कमांड का यूज किया जाता है. ड्रॉप, दिस हेल्प इन डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ट्रंकेट, इरेज ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल. कमेंट, एडिंग ऑफ कमेंट्स टू डेटा डिक्शनरी. रीनेम, यूजफुल इन रीनेमिंग एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को वापस नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए इसका यूज किया जाता है. इसका डिटेल और सिंटैक्स एक एक करके हम देखते जाते हैं. क्रिएट स्टेटमेंट और कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. द क्रिएट कमांड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन अ रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. द कॉमनली यूज क्रिएट कमांड इज एज फॉलोज. सिंटैक्स में हम देख सकते हैं किसी क्रिएट कमांड का यूज किस प्रकार किया जाता है. क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और उसके कॉलम्स. ड्रॉप, ड्रॉप कमांड से किसी भी डेटाबेस को डिस्ट्रॉय या डिलीट किया जाता है. आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, ड्रॉप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट. अल्टर, अल्टर कमांड एनहेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट मॉडिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट. किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अगर हमें मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो अल्टर कमांड का यूज किया जाता है. सिंटेक्स आप देख सकते हैं, अल्टर कमांड के साथ उस ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है, टाइप देना होता है. रीनेम, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें रीनेम करना है, नाम बदलना है, तो इस कमांड का यूज किया जाता है.
तो ये कुछ कमांड थे जो डीडीएल के थे। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन जैसे नाम है इसका, इसके अंतर्गत जो भी कमांड आएंगे वो मैनिपुलेट करने से रिलेटेड होंगे। इट हैज स्टेटमेंट विच आर यूज टू मैनेज द डेटा विद इन द पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ कमांड इसके हैं जैसे सेलेक्ट। सेलेक्ट का यूज डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को या पूरे रिकॉर्ड्स को, पार्टीशन ऑफ रिकॉर्ड्स को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो इस कमांड का यूज किया जाता है। सिंटेक्स में सेलेक्ट कॉलम, कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम। जिस भी कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है वो कॉलम का आप नाम देंगे और उस टेबल का नाम देंगे जिस टेबल से डेटा को सेलेक्ट करना है। इंसर्ट, हेल्प इन इंसर्टिंग डेटा इनटू अ टेबल। किसी टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करना है, जैसे आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया, एम्प्लॉय का टेबल बनाया, अब उसमें डेटा डालने हैं। जैसे स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट का नाम क्या होगा, रोल नंबर, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, तो ये सारी वैल्यूज कैसे जाएंगी, तो वैल्यू इंसर्ट कमांड से जाती है। उसका सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम रहेगा और जो भी वैल्यूज आप डालना चाहते हैं वो वैल्यू रहेगी। अपडेट, टेबल के डेटा को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड का यूज किया जाता है जिसमें वेयर क्लॉज का यूज होता है। सिंटेक्स में आप देख सकते हैं अपडेट टेबल नेम, उस टेबल का नाम जिसके डेटा को अपडेट करना है, उस कॉलम की वैल्यू जिस कॉलम में अपडेट करना है एंड वेयर क्लॉज। जैसे हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि ऐसा कोई रिकॉर्ड जिसकी वैल्यू कुछ है, मतलब कुछ आप उसमें स्टैटिक वैल्यू ले ले, तो एक वेयर क्लॉज लगाए कि यदि वो वैल्यू 100 से ऊपर है तो उस कॉलम की वैल्यू जो है, जो रेफरेंस कॉलम है उसकी वैल्यू 10 हो जाए या उनकी लिस्ट आ जाए जो मैनेजर पोस्ट को बिलोंग करते हैं। इस टाइप से कुछ भी आप एक कंस्टेंट लगा सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ये होगा, वो वेयर क्लॉज के थ्रू होता है। नेक्स्ट डिलीट, नाम से समझ में आ रहा है डेटाबेस टेबल को अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं। वेयर एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब कोई कंडीशन कि ऐसा है तो ये डेटा डिलीट हो जाए। एक्सपोर्ट कमांड, एक्सपोर्ट कमांड का यूज किसी पर्टिकुलर टेबल के पार्ट को या पूरे टेबल को एक स्पेसिफाइड लोकेशन में भेजना। मेटा डेटा इज एक्सपोर्टेड इन अ मेटा डेटा फाइल एंड डेटा इज एक्सपोर्टेड इन अ सब डायरेक्टरी डेटा। मेटा डेटा को मेटा डेटा फाइल में भेजा जाता है और डेटा को एक सब डायरेक्टरी डेटा में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, टेबल, टेबल का नाम और जो डेटा आपको एक्सपोर्ट करना है वो डेटा को यहाँ मेंशन करेंगे। इसी प्रकार इसका रिवर्स है इंपोर्ट। कमांड इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लोकेशन टू अ न्यू टेबल और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल। किसी नए टेबल में या पहले से बने टेबल में किसी डेटा को लेना है, लाना है, तो इंपोर्ट कमांड का यूज किया जाता है। इंपोर्ट, टेबल का नाम और जो वैल्यू हमें लानी है। तो ये हमारा डीएमएल कमांड था जिसमें हमने 7 कमांड्स देखे। नेक्स्ट हमारा जो लैंग्वेज है दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज सिंटैक्स सिमिलर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच वाज यूज्ड टू रिट्रीव द स्टोर्ड और सेव डेटा। किसी डेटा जो सेव डेटा है उसको रिट्रीव करने के लिए या सेव करने के लिए डीसीएल कमांड का यूज किया जाता है, जिसमें ग्रांट एंड रिवोक कमांड सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है। ग्रांट का क्या यूज है, दिस परमिट्स पर्टिकुलर यूजर्स टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। किसी पर्टिकुलर यूजर को कौन सा टास्क देना है, कौन सी परमिशन देना है, जिसे हम प्रिविलेज भी कहते हैं, ये डिसाइड करता है ग्रांट कमांड। ग्रांट में जो प्रिविलेजेस आती है जैसे रीड, राइट, एग्जीक्यूट, कौन से यूजर को रीड की परमिशन है, कौन से यूजर को राइट की परमिशन है, कौन से यूजर को रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है, ये डिसाइड करने का काम ग्रांट का होता है। सिंटेक्स आप देख सकते हैं, ग्रांट, प्रिविलेज नेम, ऑब्जेक्ट नेम, कुछ ऑप्शनल है इसमें, अगर आपका यूज है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। रिवोक, इट ब्लॉक्स द प्रीवियसली ग्रांटेड अनट्रू परमिशंस।
अगर किसी को पहले से परमिशन दी गई है ग्रांट के थ्रू पर हमें उसे परमिशन हटानी है तो हम रिवोक कमांड का यूज करते हैं। हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL। TCL हैज कमांड्स विच आर यूज टू मैनेज द ट्रांजैक्शन और द कंडक्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए TCL का यूज किया जाता है। दे मैनेज द चेंज मेड बाय द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड ऑल्सो ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल मैनेजमेंट। जो भी चेंजेस DML के द्वारा किए जाते हैं उन सबको एक्सेप्ट करने के लिए TCL लैंग्वेज में कमांड्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट कमांड है इसका कमिट, यूज टू सेव वर्क। जो भी हम काम करते हैं उसको हमको सेव करना है तो कमिट कमांड का यूज किया जाता है। दिस कमांड परमानेंटली सेव द ट्रांजेक्शन इन टू द डेटाबेस। डेटाबेस में किसी भी ट्रांजेक्शन को परमानेंटली स्टोर करना है तो कमिट कमांड का यूज किया जाता है। रोल बैक, इट हैज अ फीचर ऑफ रीस्टोरिंग द डेटाबेस टू द जेन्युइन पॉइंट सिंस फ्रॉम द लास्ट कमिट। डेटाबेस को रीस्टोर करने के लिए रोल बैक कमांड का यूज किया जाता है। सेव पॉइंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट इन द ट्रांजेक्शन कैन बी रोल बैक टू द आइडेंटिफाइड पॉइंट। किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी सेव पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेव पॉइंट कमांड का यूज किया जाता है। सेट ट्रांजेक्शन, यूज द सेट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट टू स्टेब्लिश द करंट ट्रांजेक्शन एज रीड ओनली और रीड राइट। कोई भी ट्रांजेक्शन रीड ओनली है या रीड राइट है इसको स्टेब्लिश करने के लिए सेट ट्रांजेक्शन कमांड यूज होता है। और असाइन इट टू अ स्पेसिफाइड रोल बैक द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय सेट ट्रांजेक्शन। सेट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट के द्वारा जो उसके सिंटेक्स होते हैं उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि वो ट्रांजेक्शन रीड ओनली होगा या रीड राइट होगा और फिर उसे परमिट किया जाता है। थैंक यू, होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर DBMS के ओवरव्यू आज इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।